हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद राखी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ हरी चौलाई की भाजी। हरी चौलाई की भाजी देखने में ऐसी लगती है, आपको मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने काट ली है तो ये इस तरह से दिखती है। आप देख लीजिए अच्छे से, इसे हरी हरी रहती है ये। अब इसको मैंने काट लिया है, ये 250 ग्राम अपनी चौलाई की हरी भाजी जिसे मैंने काट लिया है, धो के अच्छे से वॉश करके इसको पहले सूखने रख दिया फिर काटा है, नहीं तो इसके अंदर पानी पानी रहता है। इसमें दो बड़े बड़े प्याज काटे हैं मैंने, दो बड़े बड़े प्याज और चार टमाटर, थोड़ा सा मैंने दूध लिया है 1.5 चम्मच, जो इसमें डालेंगे तो इसकी भाजी की जो हरापन है वो बना रहेगा। इसमें जो थोड़े अपने इन्ग्रीडियंट्स लगेंगे, इसमें 5 खड़ी लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हल्दी, गरम मसाला, हींग पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, पिसा हुआ अदरक, 6-7 कटी लहसुन की कलियाँ, मेथी पाउडर, नमक और इसमें तेल लगेगा। तो सबसे पहले मैं अपनी कढ़ाई चढ़ाती हूँ, कढ़ाई अच्छी गर्म हो गई है। अब इसमें मैं गैस को धीमा कर देती हूँ और इसमें मैं डालूँगी तेल। तेल मेरा अच्छा गरम हो जाए तो उसके बाद मैं इसमें बताती हूँ आपको क्या क्या डालना है। मैंने एक चम्मच भी लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसमें मेथी पाउडर डालूँगी। मैंने जो लाल मिर्च ली थी 5-6 वो भी डाल दिया मैंने इसके अंदर। इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे, तेज को थोड़ा आँच कर ले, तेज कर ले, आँच थोड़ा सा धीमी रखे जब भी आप बघार लगाते हैं। हमारी मिर्ची थोड़ा सा लाल वाली तड़कने लगी है इसके अंदर। कोई भी भाजी में अगर आप लाल मिर्ची डालते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा और अलग आता है। इसके बाद हम इसमें जीरा डाल देंगे, बारीक राई डाल देंगे, गैस धीमा रखेंगे, हींग भी डालेंगे जो हमने थोड़ी सी ली हुई है इसमें। फिर इसमें हम कटे लहसुन की कलियाँ, अदरक पिसा हुआ लिया था वो, नमक, हल्दी, गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च, ये सब हम इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। आँच धीमी रखेंगे, जलने का हमेशा डर बना रहता है। और इसके बाद हम इसमें तुरंत थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें कटे हुए हमारे दो बड़े प्याज थे वो हम इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा सा हम भूंजेंगे, आँच थोड़ा तेज कर लेंगे हम अपनी। इसके साथ मैंने जो टमाटर काटे दिए थे 4 वो भी मैं डाल दे रही हूँ इसके अंदर ही। नमक हम पहले ही डाल चुके हैं, नमक ज़्यादा ना डालें। कोई भी भाजी में अगर हम नमक डालते हैं तो भाजियों में वैसे ही नमक थोड़ा रहता है तो वो खाने में फिर आपका स्वाद बिगाड़ देगी, तो ये ध्यान रखें आप। इसको हम थोड़ा भी भूंजेंगे। प्याज टमाटर मसाला हमारा थोड़ा भूंज रहा है तो हम इसमें अपनी लीड लगा देते हैं ढक्कन वाली, इसको थोड़ा सा पकने देंगे। इसका हम ढक्कन खोल के देखेंगे भाप में हमारी सब्जी पकेगी आज। ये तो हमने थोड़ा सा चलाना है, ये थोड़ा सा भी भूंजेगी 2-4 मिनट, उसके बाद इसको ढक्कन फिर से लगा देते हैं। ढक्कन हम खोल लेंगे, देखिए ये पूरी भाप में पक रही है। देखिए मैं हमेशा बताती, कोई भी सब्जी होता है उसमें तेल सूखने लगता है। अब हमारी सब्जी में हल्का हल्का तेल सूखने लगा है तो मैं सब्जी ज़्यादा नहीं भूंजूंगी, मैं अपनी हरी भाजी इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे हम,
इसमें अभी हम ढक्कन लगा देंगे तो ये अच्छे से पक जाएगी। देखिए ऐसी रखी है और इसमें मैंने ढक्कन लगा दिया है और गैस को धीमा कर दिया। मैं इसका ढक्कन खोल के देख रही हूँ, मेरी भाजी थोड़ी थोड़ी पकना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए इसको मैं ऐसे चलाऊँगी तो आधी तो ऐसे ही पक जाएगी। नीचे मैंने इसके इसको भाजी को ऊपर रख के छोड़ा जिसमें मेरा प्याज और अच्छा भून जाए। देखिए अच्छा भून गया है, अब इनको चलाऊंगी मैं। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है हरी भाजी हमारी। मैंने इसमें धनिया पाउडर नहीं डाला है, आज मेरे पास नहीं था तो मैंने इसे नहीं डाला है। आपके पास हो तो ऑप्शन में आप डाल सकते हैं इसे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब इसमें एक सीक्रेट है कि हमारी भाजी में हरापन बना रहे, तो इसमें मैंने उबला हुआ जो दूध लिया था वो थोड़ा सा इसके अंदर डाल देती हूँ, जिससे हमारी भाजी देखने में हरी बनी रहेगी, काली नहीं पड़ेगी ये बनाते समय। अब इसको मैं फिर से थोड़ा सा ढक्कन लगा दूँ 2-4 मिनट के लिए। देखिए मैं इसका ढक्कन खोल रही हूँ फ्रेंड्स, भाप में देखिए कितनी अच्छी पक रही है ये। थोड़ा सा गैस धीमी कर ले क्योंकि फीकी पकती तो अच्छी नहीं लगती है। देखिए रंग बिरंगी हरी लाल पीली कितनी अच्छी लग रही देखने में, ये पीली सफेद सब दिख रहा है इसके अंदर। थोड़ा सा ढक्कन और लगा देंगे, 2-4 मिनट और लगेगा, हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई, तैयार हो गई। आज ये गैस धीमी है, मैं कढ़ाई का ढक्कन खोल रही हूँ। देखिए ये लगभग बनके तैयार हो गई है। देखिए मेरी सब्जी फ्रेंड्स कितनी अच्छी लग रही है हरी हरी देखने में। अभी बरसात का मौसम है, चौथाई की भाजी अभी बहुत आ रही है मार्केट में। बस मेरी सब्जी बस 1-2 मिनट में बनके तैयार होने वाली है। मैं जो भी कुछ बनाती हूँ सब आपके सामने ऐसा लगता है जैसे सामने बना रही हूँ, मैं अलग से कुछ भी नहीं करती। आज देखिए मेरे पास धनिया पाउडर नहीं था तो मैंने नहीं डाला, आपके पास होगा तो आप बिल्कुल डालिए। देखिए मेरी सब्जी बनके तैयार है, 2 मिनट ढक्कन और लगा के इसको पका के इसको बंद करती हूँ। देखिए मैं ढक्कन खोल रही हूँ, मेरी सब्जी बनके पूरी तैयार है। अब इसे मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए हरी भाजी की सब्जी हमारी कितनी अच्छी लग रही है। मैंने गैस बंद कर दिया, एक बर्तन में इसको आपके सामने देखिए डायरेक्ट निकाल के दिखाती जा रही हूँ। मेरी सब्जी चौलाई भाजी की सब्जी बनके तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपसे फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। फ्रेंड्स बाय बाय।